पर जो पटना में विगत दिनों शिक्षकों पर बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज किया गया है नीतीश कुमार के सरकार के द्वारा, ऐसे में क्या लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था और जो बिहार की सरकार है पूरी तरीके से तानाशाह हो चुकी है और विपक्ष देखा जाए तो एक तरीके से निष्क्रिय भूमिका में लगती नजर आ रही है, ऐसे में क्या लगता है सर? नहीं, सबसे पहले तो आपको ये जवाब दे देना चाहते हैं कि आपने विपक्ष की जो भूमिका है उस मामले को आदरणीय नेता तेजस्वी जी के निर्देश के मुताबिक हर बिंदुओं को कहीं ना कहीं माननीय सदस्य उठाने का काम करते हैं। जैसे आपके चमकी बुखार का भी मामला आया तो सदन में हो सकता है कि कुछ उन अपनी बीमारी की वजह से नहीं उपस्थित थे, लेकिन जो दिशा निर्देश आता है चीफ व्हिप के यहाँ उसके मुताबिक हम लोग उसको जो है अमली जामा पहनाने के लिए सदन में, चाहे कोई भी बाढ़ का मामला हो, चाहे जो है आपके जो चमकी बुखार में जो है 200 बच्चे मरे उनका मामला हो, चाहे शिक्षकों पर जो बर्बरतापूर्व जो है आंसू गैस और तमाम चीज़ें जो है का उपयोग करके जो लाठी चार्ज किया गया और एक बेचारी महिला की मृत्यु भी हुई, उन मामले में हमने जो है ये दूसरे कोई प्रूफ नहीं दे सकता, हम जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव हम लोग 19/7/2019 को लाए दूसरे दिन, और ये कार्य स्थगन जो लाए थे उसकी कॉपी है ये, जिसमें 9 बजे सुबह खुद हम लोग को जाना पड़ता है और उसमें देख लीजिए हमने जो है हम कार्य स्थगन लाने के लिए खुद गए हुए, तो इसमें मेरा सिग्नेचर होगा डॉक्टर नवाज आलम के नाम से। ये कार्य स्थगन जो है लाकर हम लोगों ने बाहर जो है प्रदर्शन जो किया ही, साथ साथ सदन में तमाम माननीय विधायक हम लोगों के गठबंधन के आरजेडी हो कांग्रेस हो माले के साथी हो सब लोगों ने जोरदार ढंग से सदन में इस मामले को उठाने का काम किया, और संगठन तमाम लोगों ने जब इस मामले को सदन में उठाने के बाद जब सदन ऑर्डर में नहीं रहता तो स्पीकर उसको एडजॉर्न करते हैं। तो क्या लगता है सर, बिहार पूरा सदन एडजॉर्न रहा, आपको जानकारी होगा पूरे सदन जो है लगभग फर्स्ट पाली का सदन चला ही नहीं, तो आप जिन बातों को आप रखना चाहते हैं कि विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं अदा किया नियोजित शिक्षक के मामले में, राष्ट्रीय जनता दल ही सबसे अगली पंक्ति में रहकर उनके सवालों को मामले को उठाने का काम किया, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, वहाँ आदरणीय जो हमारी राबड़ी देवी जो है नेतृत्व कर रही थी और उन्होंने इस मामले को बहुत जोरदार ढंग से उठाने का सदन चलने नहीं दिया काउंसिल में, उसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो ये मामला लगातार उठ रहा है और मेरी समझ से सरकार जो है अपने कामों को छिपाने के लिए निहत्थे जो है लोगों पर, जब शिक्षाविदों पर जो है लाठी चलेगा आंसू गैस चलेगा, हम उनसे जानना चाहते हैं कि जो आए दिन रोज दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं उन पर इस न्याय जो कानून के राज का को स्थापित करने वाले लोग हैं कहाँ उन पर डंडा चल रहा है। अभी हम लोगों का एक साथी था जो बघा का जो है ना प्रतिनिधि रह चुका, उसको दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई, पटना में कई ऐसी घटनाएँ हुई। तो हम ये मेरा मानना है कि हम लोग जो अपनी भूमिका है उन भूमिका को कहीं जो भी मामला आता है उसको सदन तक ले जाने का, और एक विधायक का सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि अपने सदन में जन समस्याओं को चाहे अपराधी घटना हो चाहे शिक्षक की घटना हो चाहे आपके नगर की तमाम जो है मूलभूत समस्याएं उनको सदन तक ले जाकर और सक्षम पदाधिकारियों के सामने भी रखना। ऑपरेशन के बाद बिहार सरकार क्या साबित कर रहा है ऑपरेशन में मौजूद प्रकार से डॉक्टर जैन मिश्रा सहयोगी के रूप में जो सिस्टर रंजना एवं रेखा थी ऑपरेशन के दौरान अस्पताल प्रबंधक मनोज कुमार भी मौजूद हैं। जिस तरह से हिटलर जो है अपने कामों से जो है मस्त हो चुके थे, तो ऐसा लगता है कि ये सरकार जब से, मेरा मानना है कि माननीय नीतीश कुमार जी जब गठबंधन की सरकार से जो अलग हुए अब बिना मेल की जो जोड़ी बनी वो नीतीश कुमार का वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, वो भी बेचारे असहाय बने हुए हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे कि अभी 19 संगठनों पर
तमाम आरएसएस से लेकर तमाम संगठनों पर जांच का आदेश उन्होंने दिया है। जांच ही नहीं दिया, निगरानी करने के लिए दिया। क्यों दिया? कहीं उनको ऐसा शक हो रहा था कि ये लोग कहीं बलवाई हैं, कहीं कोई घटना कर सकते हैं, तो उसका खुफिया जांच के लिए जो रखा गया तो बवाल मचाने लगा लोग। गिरिराज सिंह दे रहे हैं, नीतीश कुमार फेलियर है, अभी कई एमएलसी का जवाब आ चुका। तो हमें लगता है कि ये लोग अपने जनाधार से बफला गए हैं, या तो प्रचंड बहुमत मिला उससे मस्त हो गए तो अब दमन करना चाहते हैं जनता को। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार और आदरणीय लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय तमाम गरीबों की बात किया था, आज उसी का परिणाम है कि हम लोगों के बीच में भुचकालो देवी बैठी हुई है। ये दूसरी जगह नहीं मिलेगा कि एक गरीब आदमी को जो है अपने साथ बैठा के कुर्सी पर, और मान और सम्मान यही सबसे बड़ा विकास है, मानसिक विकास, आदमी का सम्मान का विकास। तो ये चीज़ जो है जो उन्होंने दिया है, वहाँ पर कभी भी गरीबों के साथ अगर दमन होगा तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार या हम उनके कार्यकर्ता साथी हैं, हम इस मामले को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस मामले को उठाते रहेंगे। फिलहाल सर बिहार में एक बाढ़ की विभीषिका आई है और मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार, उसके पहले मुजफ्फरपुर बालिका गृह, कहीं ना कहीं सवाल सरकार को कई मायने में घेरते हुए सवाल नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है बिहार का विकास हो पाएगा आने वाले दिनों में? बिहार का विकास को का आईना थोड़ा शहर में घूम के देख लीजिए, दूसरी जगह काहे के लिए जाइएगा। हम लोग चार सालों से एक विधायक लगातार ड्रेनेज के मामले को उठाता रहा कि आउटफॉल ड्रेनेज कब बनेगा, और पहली बार कोई ऐसा जो है विधायक होगा जो नाला को एक एक ऑफिसर के साथ, जो बाहर की टीम बॉम्बे की आई थी डूडा कंपनी की, डूडा की, उसके साथ गली गली हम लोग हॉस्पिटल में और तमाम नाले को दिखाने का काम किए, जिसका कभी ना कभी आपके मेरे पास साक्ष्य भी मौजूद है। और उस मामले को बजाबते जो है नगर निगम और डूडा की बैठक में उसको प्रमाणित किया गया कि एक विधायक एक एक गली को घूम के तमाम लेवलिंग कराने का, एस्टिमेट बनवाने का काम किया, और वो 167 करोड़ की प्रोजेक्ट बन के तैयार है, माननीय मंत्री जी के टेबल पर रखा है। आप बताइए कि कहते हैं कि पैसा उपलब्ध होगा तब काम लगेगा। तो हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आपके पास लगभग 600 करोड़ की लागत से जो है संग्रहालय बनाना है के लिए पैसा है, बापू सभागार बनाने के लिए 500 करोड़ का है, आपके पास जो है पटेल भवन बनाने के लिए 600-700 करोड़ है, पूरे बेली रोड से सगना मोड़ से और चले जाइए गांधी मैदान तक, नियर अबाउट 5,000 करोड़ के लगभग लागत से काम हुआ। और पटना जो है, यहाँ तो छोड़िए, पटना ना जल से मगन हो गया, डूब गया। तो हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी कौन प्लानिंग है। हमको अभी बुलाया गया था साथ जल संचय में, वाटर लेवलिंग के प्रोग्राम में, मुख्यमंत्री की का प्रोग्राम था, संजोग हमें भी बोलने का मौका मिला। हम उनसे पूछना चाहे कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। आप जो कह रहे हैं कि हम लोग तमाम जनप्रतिनिधियों को बनाकर बुला रहे हैं कि हम लोग वाटर जो लेवलिंग जो है गिर रहा है, लेवल गिर रहा है, उसको कैसे हम लोग करेंगे, तो ये सरकार का काम है। आपकी 16-17 साल या भारत सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, आपने वाटर लेवलिंग पर कौन सा प्रबंधन किया? अगर आपका प्रबंधन होता सही, प्रबंधन का फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें, वाटर लेवलिंग को कंट्रोल करने का 2-3 बिंदु है। जो पानी आपका कहीं व्यस्त हो रहा है, बेकार हो रहा है, उसको पहला जो है संचय करना, और संचय करके उसको जो है बजाते वाटर हार्वेस्टिंग के जरिया से उस पानी को पहुंचा देना किसानों के बीच में, जहां उसका उपयोग मवेशी को धोने में, का घर बनाने में, दुनिया बनाने में ना। आप चले जाइए मध्य प्रदेश, सबसे दुनिया का सबसे इजराइल एक मुल्क था जहां पानी की इतनी किल्लत थी कि लोग त्राहिमाम थे। वो जितना बेकार पानी जो बरसा होता, पानी जो गड्ढा में इधर उधर इकट्ठे हो जाते, उन पानियों को संचय करता था और उसकी हार्वेस्टिंग करके पूरा किसान की सिंचाई उसी से होती है। और जो ये पानी हम लोगों का है जो धरती से हम लोग निकालते हैं चीर के, आप बताइए, हम तो कहा कि पहले आप तालाब हमारे यहाँ जितने तालाब ब्रिटिश काल के बने हुए थे वो तालाब का जीर्णोद्धार आप करा दीजिए। हम उनको फॉर एग्जाम्पल बताया कि हमारे यहाँ
हम अपने क्षेत्र का जेल का तालाब है उसका जीर्णोद्धार करा दीजिए, डीन सैंग का तालाब है उसका जीर्णोद्धार करा दीजिए। तीसरा आपको बता रहे हैं आप जो है जैन कॉलेज के पास जो है गांधीनगर उसका जीर्णोद्धार करा दीजिए। आप पे कराना चाहते हैं चार पांच तालाबों का हम एग्जाम्पल दिए, बांसटाल का तालाब है उसका जीर्णोद्धार करा दीजिए। और भी और पानी संचय का एक बहुत बड़ा जगह है जो हम लोग आज उसको पर्यटन स्थल बना सकते हैं, बहिरोलक्ष से धरारा तक जो